परिवार के साथ में जो स्वर्गीय भगत दादा के 13वें संस्कार में पधारे समस्त लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे। छोटे से बड़े, खड़े से बैठे, बुजुर्ग से नौजवान, सबसे राम राम करते हुए मैं गीत पढ़ने की इजाजत चाहता हूं कि मैं आजकल गवैया बड़ा परिचय बतावे लाग मोबाइल नंबर पर। भैया हम तो सब कुछ जाने नहीं, क्योंकि गावत गावत अतनी उम्र आ गए, सब है जान गवा को कहां रहा थे। तो छोटे से बड़े सबसे इजाजत लेते हुए गीत प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं, चाहे मैं शाहजराम बाबा हो, मोहनलाल खलीफा हो, हमारे परम आदरणीय दादा श्री राम फेर खलीफा हो, और हमारे राम सूरत भाई, जयशन भैया, सुखदेव यादव जी, रामचंद्र भाई घर मालिक व समस्त परिवार, करवादक बेद जी से, और हमारे राम कुमार बाबू जो नज्जू खामरुआ से पधारे, पुजारी मामा से गाने की जय जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरस्कार 21 रुपए हमारे माता फिर भैया जी के कर में सुप्रदान हुए, बाबू साहब को कोट कोट नमन धन्यवाद। कहना क्या है, जगत में जीवन कर्म आधार और कर्मगत भोग रहा संसार, कर्म से मिल जाते करतार, कर्म कर देता बेड़ा पार, जैसी करे नी प्राप्त करे फल, भैया रे जैसी करे नी प्राप्त हो वैसा फलो। तो जैसा कर्म और हमारे परमादरणीय बाबा श्री राम कुमार नज्जू खामरुआ के कार्यक्रमों से 51 रुपए का महान महान शुभ आशीर्वाद मिला है, मामा से चरण वंदन करते हैं, आशीर्वाद कमना 11 रुपए का नमस्कार नकारावादक को प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना क्या है, तो जैसा कर्म करेगा मानुष वैसा ही फल पाएगा, तो जैसा कर्म करेगा मानुष वैसा ही फल पाएगा, रे मन मोरा चेत नहीं कर मल मल के पछताएगा, उस दिन के तुम ख्याल करो जहिया परवाना आएगा, पांच तत्व का छोड़ कपिंजड़ा जब सुगना उड़ जाएगा, भाई बंद यो सदस हो तर कोई न साथ निभाएगा, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर रखा माल धरा रह जाएगा, कहते राम गोपाल पता क्या खाक जवाबी। क्या बात है, और ये राजकरण भैया बलेला तरफ से 21 रुपए, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, सरस्वती कृपा दृष्टि बना रखे, कैसे कैसे तो कहते राम गोपाल पता क्या खाक जवाबी गाएगा, इस दुनिया में जो आया भगवान का भजन करो प्यारे, इस दुनिया में जो आया भगवान का भजन करो प्यारे, जो वादा करके आया उसका भी मनन करो प्यारे, सतगुरु के शरणों में जाके गुरु शरण करो प्यारे, राम नाम की मुक्ति है, राम नाम की मुक्ति, और राम नाम की मुक्ति है मुक्ति की साधन। और हमारे नन्हे प्रधान जी बड़ेला तरफ से 21 रुपए, प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात कर रही है। और जयशन भैया जी की तरफ से 21 रुपए का शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे कैसे राम नाम पे भजन करो मुक्ति साधन कर लो प्यारे, राम नाम के भजन करो मुक्ति साधन करो प्यारे, मुक्ति साधन करो प्यारे, मुक्ति साधन करो प्यारे, घटके फटके खोल सदा प्रभु दर्शन, तो घटके पटी खोल सदा प्रभु दर्शन। अरे चार रुपए का नमस्कार राम कुमार कुड़ेदार भैया सुंदर प्रभात से आ रहे हैं, कुड़ेदार भैया से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चंद लाइन मैं जी के गीत जिनके सारे से कवियों से ज्ञान और समाज में सम्मान मिलता है।
राजेंद्र भैया, सुखनंदन प्रभु तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद भैया से बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 रुपए हमारे रामचंद्र भैया घर मालिक के कर्म से आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी परिवार को सुख सहने की क्षमता प्रदान करें और इनके पिताजी का स्वर्ग में स्थान दे, यही प्रार्थना है। ध्यान दे, कहना क्या है, एक भक्त माई से स्तुति करते हुए कहता क्या कि मैया मई हरे वाली, हे मां ये माई मई हरे वाली, अरे पीड़ा झनकार दे तू, अशर गम संवार दे तुम्हार, मैया मई हरे वाली पीड़ा झनकार दे तू, सर गम संवार दे तुम्हार, मैया मई हरे वाली पीड़ा झनकार दे तू, सर गम संवार दे तुम्हार। सभी नार नारी आई हो, तुहरे भावाला में भीड़ लगल भारी, दर्शन कधावे माई सभी नार नारी, बैठो मोरे हियरिया माई बैठो, मोरे हियरिया घट के पट उतार दे दो, सर गम शवार दे दुमा, बैठो मोरे हियरिया घट के पट उतार। राकेश भैया आप तरफ से कैश रुपए का नमस्कार, मोर माई कृपा दृष्टि बना रखे, कैसे कैसे माई जी के गीती सुनन राकेश भैया, अरे पल करल बाड़ो ये किश रुपया बाढ़े, अनधन घरवा माई बाढ़े, अनधन घरवा सदा सुखी परिवार दे दो, सरे गम शवार दे तुमा, मैया मई हरे वाली बीड़ा झनकार दे दो, सरे गम शवार दे तुमा। और ध्यान दे भक्त का क्या मां, तीन जान फेरी दे लू दाया कई नजारिया हो, सुन कई बिनैया चली अवा महातरिया आई हो, सुनी के बिनाई चली अवा महातरिया, रहिया तोर निहारी माई, रहिया तोर निहारी अचारा के प्यार दे दो, सर गम शवार दे तुमा, रहिया सदा निहारी अचारा के प्यार दे दो, सर गम शवार दे दो। जकरा पे दाया करे शरीदा भवानी, और हमारे घर मालिक जी की तरफ से ये महान महान माई जी के गीत के ऊपर महान महान पुरस्कार किशोर, हाँ सही सॉरी 21 रुपए का आशीर्वाद भैया जी से कोट कोट धन्यवाद है। महारानी अंग संग्रह कैसे कैसे की, और 21 रुपए हमारे नक्कर वादक को भी प्रदान किया वेद प्रकाश को, माता रानी परिवार सुखी रखे, कैसे जकरा पे फेरा कहा तुम ही तो, जकरा पे हाई कहा तुम ही, जगती की हो जगत भवानी, मूर्ख का चाहो बाबा नाई दे तू ज्ञानी आई हो, मूर्ख का चाहो बाबा नाई दिहलो ज्ञानी, काली दास यो तुलसी दास, काली दास तुलसी दास के ज्ञान शवार दे लो, सरे गम शवार दे तुमा, काली दास यो तुलसी जी के ज्ञान सवार दे तो, सरे गम शवार दे तुमा। इक्कीस रुपए हमारे राम सजीवन यादव जी सुखनंदन प्रभाव से इसी मई जी के गीत पे 21 रुपए का शुभ आशीर्वाद दिया है, राम सजीवन बाबू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना क्या है,
करम जनऊ ना पुजानावा। यादव गोपाल गावे माई के भजानावा। चलो नहीं नेमु धरम जनऊ ना पुजानावा हो। राम गोपाली गावे माई के भजनवा। मैया नैया खेवैया आवा मोरी। नैया खेवरिया मैया नैया हो। मैया नैया खेवैया नैया के पतवार दे दो सरे गम शमार दे तुम्हार। आई मैया रे वाली बिया जानकार दे दो सरे गम शवार दे दो। ज्ञान केरी ज्योति सदा ज्ञान केरी ज्योति करो घट में परवेश है। अनुराग यादव चैनल लाए भाप देश है। ज्ञान केरी ज्योति करो घट में परवेश है। अनुराग यादव जी का चैनल अपना देश। माई दया दृष्टि भैया ऊपर डार दे दो सरे गम शमार दे तुमा। मैया मैया रे वाली दिया झनकार दे दो या चरा के प्यार दे दो। और हमारे रामुन भैया तरफ से 11 रुपए का नमस्कार। बाबू साहब को करबद्ध नमस्कार। और राम प्रकाश बाबू साहब बड़ेला तरफ से 21 रुपए का शुभ आशीर्वाद मिला है। इसी मई जी के गीत के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे समस्त साथियों ने। और पालीपुरा निवासी हमारे राजेंद्र भैया तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ये तो मई जी की गीत थी। हमारे खलीफा ने बेदवती का हरण गाया और किसी ने किसका हरण गाया और बहुत अच्छी अच्छी गीत हमारे भैया जी ने दर्शाया। लेकिन मेरे तरफ से कहीं ना क्या है जैसे हमारे राम फेर दादा जी ने गाया किसिया के पिया पाछे परे। जयशन खलीफा जी ने गाया कि राम मारा काग के बान होएगा के काना। हमारे भैया राम सरजू में करे स्नान। मतलब सब कोई पीछे लौटा आगे कोई बड़े हिम्मत जे लोग जे रहा दे। राम फिर खलीफा से पीछे रहा आगे नहीं रहा कोई। और बड़े चेहरे आगे तब कुछ बजाई थे। ध्यान दीजिएगा जिस समय लंका का युद्ध हुआ और लंका में राम का राम जी की विजय हुई। जब राम की विजय हुई तो वहां एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक नई खोज आप लोगों के बीच रख रहा हूं। क्या है कि जब वो घटना घटी क्या हुआ कि राम विजय रावण का कीना। अरे खुशी भा सकल जहान। अयमो बरुण दर्शन को धाये चढ़ चढ़ निजी विमान। स्वर्ग नरक के खुल गए फाटकी धाये देवी और इंसान। और रूप मनुज घर दशरथ पहुंचे लंका के दर। जब स्वर्ग और नर्क के द्वार खुल गए तो भगवान के दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता यव यक्ष गंधर्व किन्नर सभी पधारे। राजा दशरथ भी वहां पहुंचे। लेकिन सभी तो उत्सव मना रहे थे लेकिन दशरथ जी के साथ क्या हा अरे खुशी छाई मा हान दशरथ नयन बहनीरा। खुशी छाई महान दशरथ नयन बहनीरा। यारे नयन बहनीरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा। ओ खुशी सब के सामान दशरथ नयन बहनीरा। समारोह में मारा समारोह में मारा। यारे ये देवी देवता सभी जन पधारा।
पधारा यारे ये दिए भी देवता सभी जन पधारा चढ़ कर के भी मानी जीतन समर रघुवीरा ओ खुशी छाई मानो दशरथ नयनो बहनीरा ओ खुशी छाई मानो दशरथ नयनो बहे समर राम जीता समर राम जीता रावण हर कई लावा रहे सीता लावा तो रहे और हमारे राम सागर भैया सुखनंदन प्रोदम से 21 रुपए का पुरस्कार। दोस्तों एक आप लोगों से कहना है कि अगर बहुत दिन बाद ई गांव में आने का अवसर मुझे भी मिला और मोहनलाल भैया बहुत दिन बाद भेटाने हैं, अगर आप लोग सहयोग दियो तो दूधी चोट हो जाए तब कुछ अब थोड़ी देर अब अगर भाई भूखा गए हो तो जी जी भूखा नहीं मौसम थोड़ा हाँ अच्छा हाँ बस पूरा कर लो बस ठीक 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 10 मिनट रुक जाओ और ध्यान देगा। अरे दशरथ राम कहा सब क्यों जीता तो सब कोई कहा समर राम जीता समर राम जीता हरि कैलावा रहे माई सीता ओ दुष्ट रहा भई माने सबके हरे के पीरा ओ खुशी छाई मानो दशरथ नयनो बहनीरा ओ खुशी छाई मानो दशरथ अरे श्री रामचंद्र ने देखा कि सभी लोग खुशियां मना रहे देवी देवता फूल बरसा रहे लेकिन हमारे पिताजी खड़े आंसू बहा रहे। ये बात सुनकर के दशरथ को अरे रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ तो वो राम दशरथ के पास पहुंचे कहने लगे क्या अरे दशरथ उठ के पिता पास आए पिता पास आए अरे कारण कबूनो पिता यशोवा बहाये कि यशोवा बहाये कारण कबूना पिता यशोवा बहाये कि आंसू बहाये ओ बेटे विधि के विधान हो बेटे विधि के विधान कैसे धारई जिया धीरा ओ खुशी छाई। और हमारे गया दिन यादव भैया बड़ेला तरफ से ये महान किस रूपए आए हैं भैया से कोट को धन्यवाद है। राजा दशरथ कहने लगे रामचंद्र जी कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं तो रामचंद्र जी से दशरथ कहते क्या है अरे जब छोड़े आवाधी है बने काशी धारे हो बनी काशी धारे अरे दुर्दिन शुरू हुई गे तब से हमारे हो तब से हमारे ओ मिला नरा के निशान हो मिला नरा के निशान ला गई कार्य जवा मतीरा ओ मिला नरा के निशान ला गई कार्य जवा मतीरा ओ खुशी छाई महान दशरथ नयनो बहे। रामचंद्र जी से राजा दशरथ कहने लगे कि बेटा तुम तो वनवास चले आए जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे स्वर्ग की जगह नरक में भेजा गया अरे राम के बाप और परे नरक मां आप लोग गौर करिएगा। राजा दशरथ जी कहने लगे मैं नरक में पड़ा हूं बेटा आज तक मेरा उद्धार नहीं हुआ क्या तो राजा दशरथ जी जब कहने लगे कि तुम नरक में पड़े हो क्यों कारण क्या था तो कहने लगे अरे तुम रघुनाथ हो जग के रचैया हो जग के रचैया अरे कारण कौन करे कारण कौन कहो जग के गवैया हो ज्ञानी गवैया कारण कौन कहो ज्ञानी गवैया हो ज्ञानी गवैया ओ परिखो मेरा ज्ञान ध्यान ज्ञान गंभीरा ओ परिखो मेरा ज्ञान ध्यान ज्ञान गंभीरा ओ खुशी छाई महान दशरथ नयनो बहे। 21 रुपए का पुरस्कार इसी बात हमारे राजेंद्र यादव जी बड़ेला तरफ से 21 रुपए का शुभ आशीर्वाद और 21 रुपए रामभरण चौधरी जी बड़ेला तरफ से आशीर्वाद प्रदान किया है और 21 रुपए हमारे
छबलाल यादव भैया शुभनंदन प्रभा के कार्यक्रम में शुभदान रहे, बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजा दशरथ कहने लगे कारण क्या था, रावण ने चित्रगुप्त को बुलाया और उसी समय पूछा कि मेरे पिता को नर्क क्यों दिया गया, इसका कारण बताओ। और यमराजा और चित्रगुप्त अपना रजिस्टर लेके हाजिर हुए तो चित्रगुप्त कहते क्या है, अरे करम कमाई का फल मानुष पावे हो, फल मानुष पावे, अरे करम कमाई का फल मानुष पावे हो, फल मानुष पावे, चित्रगुप्त लेखा जोखा बतावे हो, लोखा बतावे, चित्रगुप्त लेखा जोखा बतावे हो, लेखा। और एक कैश बाबा ने गया दिन बाबू साहब सुखनंदन प्रभा तरफ से इसी राजा दशरथ के बिलाप पे प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे अरे चित्रगुप्त लेखा जोखा बतावे हो, जोखा बतावे, ओ जानई गुलजान अचरज मा पड़े रन धीरा, ओ जानई गुलजान अचरज मा पड़े रन धीरा, ओ खुशी छाई महान दशरथ नयन बहाई नीरा, यारे दशरथ नयन बहाई नीरा, नयन बहाई नीरा, ओ खुशी छाई महान दशरथ नयन बहे। दान नहीं सुतने दीना हो, सुतने दीना, राजा दशरथ चित्रगुप्त ने बताया कि राजा दशरथ को पिंड दान अभी तक नहीं मिला, इसीलिए तेरे ही संस्कार का जो आयोजन तभी से परंपरा चली कि लोग अपने पितरों को पिंड दान करके और तर्पण करके उनको मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं, जैसे आज रामचंद्र भी अपने पिताजी का दशरथ आयोजन किया। चित्रगुप्त ने कहा इसलिए इनको नरक मिला क्या, अरे पिंडी दाना नहीं सुतने की ना हो, सुतने की ना, यारे यही से निराजक नरक दोई दीनो, नरक दोई दीना, यही से निराजक नरक दोई दीना, नहीं मोक्ष सिरी ओ, नहीं मोक्ष सिरी माने ऐसे बचन कहलीरा, ओ नहीं मोक्ष सिरी माने बोले बचन असहीरा, ओ खुशी छाई महान दशरथ नयन बहाई नीरा, राम गोपाल कहें, राम गोपाल कहें सुन लो खाली भा हो, सुन लो खाली भा, दियो जवाब नहीं लिखो इसे, अरे दिया वो जवाब नहीं लिखो ईसा दीपा, लिखा वो ईसा दीपा, ओ चिहारा है मोरो, ओ चिहारा है मोरो जाने ओ मोना मोरग मीरा, ओ खुशी छाई महान दशरथ नयन बहाई नीरा, ओ खुशी छाई महान दशरथ नयन बहे। सरस्वती भगवती भवानी तुम्हें मनाओ बिरह में, सरस्वती भगवती भवानी तुम्हें मनाओ बिरह में, सुमिर के अम्बे जगदम्बे लेखनी चलाओ बिरह में, कानपुर इंदौर मऊ शहरों में जाओ बिरह में, गुरु के आशीर्वाद कभी खता न खाओ बिरह में, ज्ञान के ठोकर मार मार सैदी को नचाओ बिरह में, आज चबाबी गाने मैया रंग जमाओ बिरह में, गुरु मंगल का घराना रोशन नाम चलाओ बिरह में, नाम चलाओ बिरह में, अब आगे का दस्तान सुनो, सरस्वती भगवती भवानी भाषो मेरी जबान सुनो, गुरु मंगल के चेले लेके वेदों से निछान सुनो, वेदों से निछान सुनो, अब गाने में श्रीमान हुआ, एक रोज श्री राम के दिल में पैदा ऐसा ध्यान हुआ, बीते 14 बरस विपन में पूर्व पिता फरमान हुआ, चलो चले अब अवधपुरी का राम का ये ऐलान हुआ, चला है लश्कर रामचंद्र का दाखिल हिंदुस्तान हुआ, साधु राम के ज्ञान का झंडा बुलंदसरे मैदान हुआ, बुलंदसरे मैदान हुआ, ये लिखी किताबी बातें हैं, अवध कुमारे रामचंद्र पुरवासी सब सुन पाते हैं, राम नाम के झंडा को स्वागतम का बोर्ड मंगा दरवाजे पर टंगवाते हैं, राम नाम के झंडा झंडी सड़कों पे लहराते हैं, महल अटारी को टीम सब साफ कराए जाते हैं, सोने का सिंहासन मंगा के सभा के बीच धराते हैं, और
शर्म शर्म ना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुनो तशरीफ राम जी लाते हैं तशरीफ राम तब दीना नाथ विराजे। सुन सभा के शोभा देख देख के इंद्रपुरी भी लाजे। सुन गुलदस्ता मजमून विशेष रखो चतर से साजे। सुन खूब चतर से साजे। सुन रघुबरन ख्याल दौड़ाया है मेरे वास्ते भालू बंदर भारी कष्ट उठाया है। इनाम इनको देना चाहिए रघुनंदन पर माया है। इनाम बंटवाने का ढिंढोरा रामचंद्र पिटवाया है। सभी बहादुर जमा हुए और रंग खुशी का छाया है। अपने अपने नाम पे माफिक इनाम सबने पाया है। एक माला ले लिया सिया हनुमान गले पहनाया है। सुंदर माला बजरंग देखा दिल अपना बहलाया है। लगे ढूंढने राम नाम तुम कहीं नजर ना। और चूंकि घर मालिक का भी आदेश है और सब लोग भोजन के लिए उतावले हैं, इसलिए चलते चलते दो लाइन का निर्गुण, उसके बाद वाणी विराम विराह छोड़ रहा हूं इसी जगह से। आइए चंद लाइन का निर्गुण आप लोग सुनिएगा, उसके बाद वाणी विराम कहे ना क्या है। यश की ये आवागमन के बाजार है। कवियों ने लिखा क्या कि एक दिन लागी है बजरियाई उजरी जई है। ये संसार रूपी बाजार जो लगी है एक न एक दिन उजड़ जाएगी और हर इंसान को एक संसार से छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसे कवि ने लिख दिया कि एक दिन लागी है बजरियाई उजरी जई है। जब पिंजारा से सुनानी सर जई है। जब पिंजारा से सुनानी सर जई है। एक दिन लागी है बजरियाई उजर जई है। जब पिंजारा से सुनानी सर जई है। मतलब के भाई बंदे मतलब के भाई कहा। मतलब के भाई आरे मतलब के साथी है। भाई भाऊ जाई कुटुंब कबीला के वो साथे नहीं। मतलब के साथी है ओ भाई भाऊ जाई हो कुटुंब कबीला के वो साथे न जाई। जाऊल साजे हो सपन वाली सोच रहा है कि अब सिल फसल काट के ट्रैक्टर ले बे अब सिल पक्का बनवाई बे अब किल बेटा वक्त ब्याह कर बे और जैसे परवाना व सब काम खत्म। इसलिए कहा जाऊल साजे हो सपन वाली बिखारी जई है। जब पिंजरा से सुगनानी सर जई है। जब पिंजरा से सुगनानी सर ध्यान दीजिएगा। ए बाबू भगत दादा के जैसे आवा परवाना कुटुंब कबीला छोड़ी कोई के रवाना। तुमो कबीला छोड़ी कोई के रवाना। सबके आंसुआ नया नाम भरी जई है। जब पिंजरा से सुगनानी सर जई है। जब पिंजरा से सुगनानी सर मुश्किल से पायो है मानस कई तानावा। नरोतन पाय करो हरि के भजनवा। नरोतन पाय करो हरि के भजनवा। तोरी बिगारी करनिया सब सुधर जई है। जब पिंजरा से सुगनानी सर जई है। जब पिंजरा से सुगनानी सर रामचंद्र भैया घर मालिक तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। घर मालिक भैया जी को कर बधन नमस्कार। मोर माई कृपा दृष्टि बना रखे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे मुश्किल से पायो है मानुष के ताना।
करो तन पाय करो प्रभु के भजनवा। अरे तोहरी बिगारी करनिया सब सुधारे जई हे, जब भी नहरा से शुद्ध महंदी सरो जई हे, एक दिन लागी है बाजरिया उजरो जई हे, जब भी नहरा से शुद्ध महंदी सरो। हाजीपुर निवासी रामजस भैया तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार इसी निर्गुण पे प्रदान किया है। रामजस बाबू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे हे बाबू, और साथे तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी लाखों का तोड़ा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी लाखों का तोड़ा, ये रही जई है बाबू हाथी और रही जई है मितवा हाथियों घोड़ा की, हाथियों घोड़ा भैया हाथियों घोड़ा। अरे फूले खिले मुरझाए, फूले खिले मुरझाए सब नियारे जई है, जब पिंजारा से शुद्ध नानी सर जई है, एक दिन लागी है बाजरिया बुजर जई है, जब पिंजारा से शुद्ध नानी सर। और राम गोपाल कहे करो कुछ जतानी का, अब ही सुबेरा गाहो सतगुरु शरणी का, राम गोपाल कहे करो कुछ जतानी का, अब ही सुबेरा गाहो सतगुरु शरणी का, हो सतगुरु शरण का बाबू सतगुरु शरण का, भौसे नहीं अपार तुम्हारी उतारी जई है, भौसे नहीं अपार तुम्हारी उतारी जई है, जब पिंजारा से शुद्ध नानी सर जई है, एक दिन लागी है बाजरिया बुजर जई है, जब पिंजारा से शुद्ध नानी सर जई है, एक दिन लागी है बाजरिया बुजर जई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी जगह पे अपना विरहा मैं समाप्त कर रहा हूँ। जब कुछ बन पड़ा भैया एक बार प्रेम से बोलो हरि हर। भैया घर मालिक का आदेश से भोजन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बोले शंकर भगवान की। विरहा सुनने वाले भैया मन ही मन हर्षाओ, हम मौसम बहुत खराब है चल के भोजन। धन्यवाद। जैसी करनी प्राप्त हो वैसा फल, जगत में जीवन कर्म प्रधान, कर्म से विकसित होता ज्ञान, कर्म से बनता मनुष्य महान, कर्म से मिल जाते भगवान, सबसे श्रेष्ठ कर्म का रहे दल।